नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। बिहार और झारखंड की राजनीति खासतौर से जेडीयू की एक बार फिर करवट ले रही है। जो प्रशांत किशोर किनारे हो गए थे, वो झारखंड विधानसभा चुनाव आते ही एक बार फिर से जेडीयू के लिए न सिर्फ प्रासंगिक हो गए हैं, बल्कि दूसरे नंबर के नेता बन करके उभरे हैं। और नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से वही ओहदा दे दिया है जब उन्होंने पार्टी में शामिल करते समय उनको दिया था। आपको एक बात बता दें कि जब उनको पिछले साल पार्टी में शामिल किया गया था, उस वक्त वो काफ़ी इम्पोर्टेंट नेता बनकर के उभरे थे, लेकिन आरसीपी सिंह और पार्टी के दूसरे नेताओं के अंदरूनी विरोध के कारण थोड़े ही दिनों में वो किनारे लग गए। फिर क्या था, उपाध्यक्ष होते हुए भी वो अपने मूल धंधे पर लौट आए, यानी कि राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने लगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर के आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी तक के लिए उन्होंने रणनीति बनाई। फिर वो मुंबई भी पहुंच गए थे और कहा ये जाता है कि उद्धव ठाकरे जो अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए आज मशक्कत करते हुए दिख रहे हैं सीएम बनाने के लिए, ये सलाह उन्होंने ही दी थी कि क्यों नहीं आपका मुख्यमंत्री। अभी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उद्धव ठाकरे और ये जाने प्रशांत किशोर, लेकिन बीजेपी को ये बात बुरी लगी कि ममता बनर्जी की रणनीति बनाने के लिए आप कैसे पश्चिम बंगाल पहुंच गए, जबकि जेडीयू तो एनडीए का सहयोगी दल है। कहते ये हैं कि इसको लेकर के थोड़ी सी जेडीयू में और बीजेपी में तनातनी भी हुई थी। नीतीश कुमार को भी नागवार गुजरा था, लेकिन नीतीश कुमार उस समय कुछ नहीं बोले। बाद में बीच बिचाव जो कुछ भी हुआ, प्रशांत किशोर अगस्त सितंबर के महीने से इस साल एक बार फिर से जेडीयू में उसी तरह से इम्पोर्टेंट बनकर के उभरने लगे। और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार ने उन्हें झारखंड में कहा कि किसी तरह से पार्टी का खाता खुलना चाहिए, और चूंकि बीजेपी वहां पे जेडीयू लोक जनशक्ति को साथ लेकर के चुनाव नहीं लड़ रही है, दोनों दल वहां पे एनडीए में होते हुए भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए 2014 में जेडीयू का खाता जो नहीं खुला था वो मनहूसियत अब ख़त्म होनी चाहिए और जो है वहाँ पर जेडीयू का खाता खुलना चाहिए, आप ऐसी रणनीति बनाइए। पता ये चला कि पिछले 6 महीने से वो झारखंड में उनकी टीम पूरी काम कर रही थी और उन्होंने रणनीति बना करके पेश की जेडीयू नीतीश कुमार के सामने, जिसे उन्होंने ओके कर दिया। इसी बीच में सरजू राय वाला डेवलपमेंट हुआ, यानी कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता 3 बार के एमएलए सरजू राय का जैसे ही टिकट कटा, जेडीयू ने उनको एक तरह से प्रोटेक्शन दिया और ये कहा कि हम वहाँ पे अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। चूंकि एनडीए के पार्ट है, इसलिए नीतीश कुमार ने उनके लिए प्रचार करने से तो मना कर दिया, लेकिन माना यह जा रहा है कि विरोधी दल सरजू राय को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, जमशेदपुर ईस्ट से वो खड़े हुए हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ। तो खैर, ये तो रही बीजेपी के साथ उनकी रणनीति की बात, लेकिन जो असल में राजनीति हुई है जेडीयू में वो ये हुई है कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से जो है पार्टी में नंबर 2 बन करके उभरे हैं। और इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि अभी जो चुनाव आयोग से मुहर लगी है वहाँ पे स्टार प्रचारकों की, उसमें नीतीश कुमार के बाद प्रशांत किशोर का नाम है दूसरे नंबर पे, और उसके बाद आरसीपी सिंह, राजीव रंजन सिंह लल्लन जो जिनको बोलते हैं, और उसके बाद और ढेर सारे नेताओं का नाम है। इसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इसी बीच नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया है कि झारखंड में वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। तो क्या फिर वो पूरी रणनीति और कमान प्रशांत किशोर ही संभालेंगे? वशिष्ठ नारायण सिंह जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का इशारा किया था। तो एक तरह से मान के चलिए कि प्रशांत किशोर जेडीयू के लिए फिर से अपरिहार्य बन करके उभरे हैं और झारखंड में पूरी कमान उन्हीं के पास है। यूं ही जो है जो चुनाव आयोग को लिस्ट भेजी गई उसमें दूसरे नंबर पे उनका नाम रखा जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, बहुत सोच समझ के रखा गया है, उनको इम्पोर्टेंस दिया गया है और झारखंड में सीटें निकलवाने की जिम्मेदारी उनकी है। यदि वो खाता खुलवाने में भी कामयाब हो गए तो जेडीयू जो है झारखंड में अपना खाता खोलेगी, वहाँ पे दस्तक देगी और बीजेपी के साथ जो अंदरूनी ही सही, छुप छुप के ही सही, कहीं ना कहीं टग ऑफ वार है जेडीयू का, जो कि 2020 में जब विधानसभा का चुनाव होगा बिहार का तब शायद खुल करके सामने आए, उसके मद्देनज़र एक तरह से जो प्रशांत किशोर है उनको तैयार किया जा रहा है कि झारखंड पहले संभाल लीजिए, यहाँ पे सक्सेस दिलाइए, उसके बाद बिहार में जुट जाइए, और इसीलिए उनको इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से जेडीयू में नंबर 2 के नेता बन के उभरे हैं और नीतीश कुमार ने अपनी पगड़ी उनके सिर पे बांधी है। अब ये नेता उनको कितना चलने देते हैं ये बाद की बात है, लेकिन आपको याद दिला दें कि 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था
और लोकसभा चुनाव में हारने के बाद नीतीश कुमार छिटक करके महागठबंधन के साथ चले गए थे, तब बाल का डीएनए वगैरह वगैरह का जो फंडा चला करके इन्होंने महागठबंधन को जीत दिलाई थी, उसमें प्रशांत किशोर की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और ये मानी जाती है कि जिस जिस के साथ वो गए, एक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में के साथ वो रहे लेकिन उनकी रणनीति कामयाब नहीं हुई, बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ जिस जिस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया अच्छा रिजल्ट दिया है। तो देखते हैं कि झारखंड में वो जेडीयू के लिए कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं, और चूँकि जेडीयू बीजेपी के खिलाफ वहाँ पर चुनाव लड़ रही है तो बीजेपी को कैसे मात देते हैं और नीतीश कुमार को आश्वस्त करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर के बिहार में भी टग ऑफ वार होगा, दोनों के बीच में बीजेपी और जेडीयू में खींचतान होगी। तो एक तरह से दूसरे नंबर के नेता के रूप में उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है। अब एक दूसरी अग्नि परीक्षा कह सकते हैं प्रशांत किशोर की होने जा रही है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।